एक्चुअली सर हमारे समाज में बहुत कम ऐसी लेडीज है जो कि बाहर निकल के फाइट करती है, मतलब मैं समझता हूँ अगर ऐसी लेडी भी कमज़ोर हो जाए फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है सिचुएशन। मैंने देखा था ये एक ऐसी लेडी हैं जो कि एक बार पंचायत समिति भी रह चुकी हैं यहाँ पे दो बार, सॉरी गलती, तो बहुत अपने से अपना स्टैंड इन्होंने बनाया था और ऐसे ऐसे आदमी को भी आज ऐसी स्थिति आ गई कि इनको भी मजबूर होना पड़ रहा है। मजबूर करने के बाद हम लोग उतरे, करवे जितना परिवार से बढ़ कर करवे कमी नहीं लागे और कुछ नहीं कह सकै छी अहाँ से। नहीं कुछ कह सकै छी लेकिन नया दिल में कमी नहीं रखो। कभी नहीं किए 12 बजे रात में खाना बनाएंगे प्रशासन को लेकर। सबको घर में तो आदमी कम कम है, खाना पीना सारा कोई गाँव का बगल का आदमी आके कोई चाय बनाता है कुछ खिला देता है वो लोग आ गए। बात करिए ये तो सीधा सीधी चैलेंज है इंसानियत हमारे लिए, सीधा सीधी चैलेंज होता है यह भगवान माफिया अपराधी, मेरे लिए सीधा सीधी चैलेंज है मानवता। इसके अलावा ना मैंने कभी तांग झांक इधर करने की कोशिश की है ना इधर करते हैं, ना लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं। हम व्हाट्सएप हुआ, हम लोकसभा में इस मामले को उठाए, कल हम कोशिश करेंगे डीजी से मिलने का, डीजी से मिल के इस बात को कोशिश करेंगे कि SIT जांच करा दे, या मैं DIG को पुनः कहता हूं कि आप इसकी एक SIT जांच करा दें इस मामले का, और
थाना प्रभारी और यहाँ के निगलेंसी के कारण 18 दिनों के बाद इस पर हम मुकम्मल तौर पर नहीं जा पाए हैं। निस्माधीन बच्चे मेरे ख्याल से, जो मैं समझता हूँ सामाजिक चीज़ों को, मुझे नहीं लगता कि बच्चे अब बचे हैं। जी, सबका यही कहना है और सब लोग यही जान रहे हैं। इसीलिए हम चाहेंगे कि इस पर इंक्वायरी हो, इसमें थाना या जो भी लोग इन्वॉल्व हो उस पर कार्रवाई हो और इस मासूम बच्चे को न्याय मिले, इस फैमिली को न्याय मिले। और इसमें हमें जितना मदद न्याय करने में हमारी क्षमता होगी, हमारी बहुत छोटी हैसियत है, हम कोशिश करेंगे उस क्षमता का पूरा भरपूर प्रयोग इस बच्चों के लिए, और लगातार अनवरत हम प्रयास करेंगे और उस पर हम देखते हैं क्या हो सकता है। जरूरत होगी तो हम खगड़िया से आंदोलन शुरू करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम कुछ भी करेंगे। थोड़ा सा वक्त दीजिए, हम अभी DIG से हमने बातचीत की, DSP से बातचीत किया और उन्होंने कहा कि हम इसको सीरियसली ले रहे हैं। हमने उन्हें कह दिया है कि आप सीरियसली नहीं लेंगे तो ये मेरे लिए खुद आप चुनौती बन जाए। तो इस परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरे गांव के साथ खड़े हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये जो जनप्रतिनिधि हैं और सामाजिक सरकार वाले जो लोग हैं उनको पहल करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ऐसे सामाजिक चीज़ों में पहल करके तनाव से रोकना चाहिए और ऐसे बातों से नफरत और तनाव समाज को झकझोर देता है, तोड़ देता है। तो स्थिति यह है कि हम परिवार भी गंवाएं, सब कुछ गंवाएं और फिर हम समाज भी गंवा लें, ये नहीं हो।